आपका क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए बाई टू कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू टेन ए। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को इसके अंदर फर्स्ट ऊपर वाले में कॉमन क्या है, साइन ए इज कॉमन, तो हम लिखेंगे साइन ए इज कॉमन, ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, क्यूब का हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया क्योंकि साइन ए हमने बाहर लिख दिया, बाई इसमें भी सेम करना है, कॉस ए इज कॉमन, कॉस ए इज कॉमन, तो आपका क्या बच जाएगा, टू कॉस स्क्वायर ए, क्यूब का स्क्वायर हो गया माइनस वन। ठीक है, अब वन की वैल्यू यहां पर सब साइन एंड कॉस में है, ठीक है, तो वन की वैल्यू हम किस में डालेंगे, साइन एंड कॉस में, तो हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, ये वाली वैल्यू हम वन में डालेंगे, तो देखते हैं हमारा क्या होता है, हमारा आ जाएगा साइन ए एंड कॉस ए क्या हो गया हमारा, टेन। ठीक है, क्लियर हो गया अभी ये। नेक्स्ट, अब ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज हमारी है क्या क्या है, वन की जगह पे ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई सेम टू कॉस स्क्वायर ए माइनस, अब माइनस है यहां पर तो क्या होगा हमारा, ब्रैकेट में आएगा क्या, ये दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ब्रैकेट हम खोलते हैं और ऊपर वाला भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आता है, हमारा आ जाएगा टेन ए और साइन स्क्वायर ए माइनस टू साइन स्क्वायर ए, कितना हो गया हमारा, माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, तो हमारा आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा आपका, देखो टू कॉस स्क्वायर ए माइनस है तो साइन चेंज होंगे, माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब टेन ए और ऊपर वाला आपका सेम रहेगा, दैट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आप देखोगे कि यहां पर दोनों सेम हो गए, दैट मीन्स ये कट के क्या हो जाएगा आपका, वन वन बाई वन, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, आपकी वैल्यू आ गई टेन ए, दिस इज अवर आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है,